अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब साबिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शेखुपुरा डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आल पंजाब से, कीमती जान और माल के तहफ़ के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। तुर्किया और शाम में जलजिला मुतासरीन की खिदमत रेस्क्यू 1122 की टीम के लिए एजाज़ है। इन ख्यालात का इजहार हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान दीबा शहनाज ने शेखुपुरा में वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोरम के फोर्स के ज़ेर एहतमाम 20वीं सालाना फूड सेफ्टी सेमिनार और मुहाफ़िज़ मिल्लत अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत एक अजीम इबादत है। तुर्की की आवाम ने जो इज्जत दी उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। रेस्क्यू की पूरी टीम ने भरपूर जज्बे के साथ खिदमत सर अंजाम दी। सेक्टर कमांडर M2 मोटरवे पुलिस फैसल अक्रम ने अपने खिताब में कहा कि हादसात की रोकथाम में आवाम को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना होगी। जल्दबाजी और बेहतियाती की वजह से हादसात बढ़ रहे हैं, इन पर काबू पाने के लिए कम्युनिटी पॉलिसियों को अपनाना होगा। डायरेक्टर वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स मोहम्मद मुजाहिद शामी ने कहा कि वन वेलिंग और लापरवाही कीमती जानों के ज़िया का बायस बन रही है, जिसके लिए हमें तालीमी इदारों में ट्रैफिक कवानीन और एहतियाती तदाबीर के बारे में खसूसी क्लासेस का एहतमाम करना होगा।